एवरी वन दिस इज द इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेड इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टिड चैप्टर देंटेंस ये इंग्लिश ग्रामर का हर स्टैंडर्ड का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जो सब में कॉमन होता है कि पहले हम लोग सेंटेंस समझे हैं कि सेंटेंस क्या होता है जब भी हमको अपने आइडियाज़ अपने थाट्स एक्सप्रेस करने होते हैं तो हम लोग या उसको बोलते हैं या लिखते हैं राइट तो और ये जो वर्ड्स होते हैं वो एक सर्टन ऑर्डर में अरेंज होते हैं जो हमें कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं दिस इज कॉल्ड सेंटेंस मीन्स द वर्ड्स सो अरेंज इन Group of words so arranged in a particular order that it makes complete sense is called sentence. Okay. अब sentence के लिए तीन features essential होते हैं First तो it should begin with अ capital letter. उसमें एंड में कोई पंचुशन मार्क होना चाहिए लाइक अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वी शुड हैव क्वेस्टन मार्क अगर कोई सडन फिलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वी शुड हैव एक्सक्लमेटरी मार्क और फुल स्टॉप नॉर्मली सिर्फ बात करते हैं ओके एंड द फोर मोस्ट थिंग उसमें एक काम होना चाहिए और क्या काम हो रहा है वो पता चलना चाहिए मतलब एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मींस जो सेंटेंस होता है जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं जो एक मीनिंग कन्वे करता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज़ प्रेडिकेट लाइक इफ वी सी द एग्जाम्पल राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है राहुल के बारे में बात हो रही है है ना तो जिसके बारे में बात हो रही होती है जिसके बारे में सेंटेंस होता है उस पार्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं अब वो सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है फाइन अब वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है जैसे इस सेंटेंस में एग्जाम्पल में राहुल इज द सब्जेक्ट तो राहुल क्या कर रहा है राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है तो सेंटेंस राहुल के बारे में है तो राहुल इज सब्जेक्ट और राहुल को क्या अच्छा लगता है या राहुल को क्या पसंद है लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल तो प्रेडिकेट होता है लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल प्रेडिकेट हो गया मीन्स सेंटेंस किसके बारे में है वो पार्ट सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है इस प्रेडिकेट ओके तो डेफिनेशन विल बी

जैसे अगर नाउन है तो तो एक ही वर्ड का होगा लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वो दो तीन वर्ड का हो सकता है नाउ प्रेडिकेट ऑल्सो की जरूरी नहीं है प्रेडिकेट एक या दो वर्ड का भी हो वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है और एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में ही लगाया जाए वो सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है समझना क्या है हमको कि सेंटेंस किसके बारे में जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है और क्या कर रहा है सब्जेक्ट इस प्रेडिकेट ओके तो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम समाइज वी विल डिस्कस ऑन दैट थैंक यू